कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मुजफ्फरनगर के बाद आज मेरठ में कांवड़ियों ने जमकर बवाल किया। रॉन्ग साइड से आ रही कार से कांवड़ खंडित होने पर गुस्साए कांवड़ियों ने लाठी डंडे बरसाते हुए कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस कार में 4 लोग सवार थे। 3 मौका पाकर किसी तरह भाग निकले, जबकि चौथे को कांवड़ियों ने पकड़कर पुलिस की मौजूदगी में जमकर पीटा। यह घटना शुक्रवार की सुबह प्रतापपुर के कांशी टोल प्लाजा के पास की है। इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, देखिए। घोड़ा चोट साइड आ रहा है, जल मुल्ला से साइड मांगने तब भी सही नहीं, कावर में टक्कर मार दी बोले। क्या हुआ बोले? रॉन्ग साइड आ रहा बोले, कावर में टक्कर मार दी और बोले साइड ले ले साइड, कावर में साइड मार दी, रॉन्ग साइड लेके आ रहा, रॉन्ग साइड लेके आ रहा, बोल दिया रुक जा, फिर भी चार जने थे, तीन बाके अच्छा, एक का जल गिरा दिया, एक के टक्कर मार दी और पुलिस आ गई, पुलिस और गाड़ी में बैठा रही है, मेहनत करके आ रहे हैं, पैरों में देखो कैसे चाले हो रहे हैं, चाले देखो चाले, दोनों पैरों में हो रहे नंगे पैर आ रहे हैं, मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ओवर के गाड़ी लेके जा रहा है और रॉन्ग साइड लेके जा रहा है। इस बारे में SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी मीडिया को दी। SP साहब, अभी एक तोड़फोड़ हुई है कांवड़िए, क्या पूरा मामला? देखिए, आज थाना प्रतापपुर के थाने क्षेत्र में ये थाना, ये प्रतापपुर इंटरचेंज पड़ता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, एक गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ पर मौजूद उससे दूसरी साइड जा रही थी, तो उसमें टहल के गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई थी और उनके जो गाड़ी चालक थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच गई थी, दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया था और इसके बाद दोनों पक्षों से बात की गई, दोनों पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।